फिर जाएंगे आप लोग बारात स्वागत में, हम खाना वाना खाएंगे, मायरा वायरा पहनेंगे। और कचरा बहुत हो रहा है यार, कल ही सफाई करी, आज वापस से हो गया यार, अब वापस से साफ करेंगे। कचरा तो होता ही है, शादी के वगैरह। व्यवस्थित राम अब बस हम हो रहे। भरत जी तो हो गए हैं रेडी बारात स्वागत के लिए। भाई मेरा बेचारा प्रेस करने में लगा हुआ है। चलो दिखाना एक बार, भरत जी घूमो। ये रहा हमारे भरत जी का कुर्ता, फुल लुक। हाँ फुल लुक। पुष्पराज। सो अब मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी आज ही रात को रानू की शादी है। मीन्स 5 फरवरी को रानू के शाम के फेरे हैं। सुबह जो भी मायरे का प्रोग्राम होता है, बारात स्वागत होती है, ये सारे मतलब जेंट्स करेंगे। मायरे वगैरह का जो भी प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इन केस अगर होता है पॉसिबल तो बारात की भी क्लिप्स अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको इसमें ऐड करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रही, अभी मैंने नॉर्मली सिंपली साड़ी पहनी है सुबह मॉर्निंग में, बिकॉज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लहंगा हैवी ज्वेलरी तो सिंपली मंगलसूत्र पहना है, इयररिंग्स पहन लूँगी और ये चूड़ा पहना है मैंने। और ये मैंने लिखा है यहाँ पे रानू की वेडिंग। और तो इतने टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका लुक चेंज करो। मैं लुक चेंज इसलिए नहीं कर सकती, मींस हम वेस्टर्न नहीं पहन सकते, हम गांव साइड से हैं, साड़ी लहंगा मतलब यही पहना जाता है। इसके अलावा आप जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ अलग सा पहनूं तो वो पॉसिबल नहीं है। हेयर स्टाइल वगैरह मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बिकॉज क्या हो रहा है, मेरे को टाइफाइड का थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ है तो उस वजह से मेरे बाल बहुत चले गए हैं और मेरे पास ये थोड़े से बाल बचे हैं यहाँ पे, तो मैं इनको हीट नहीं कर सकती हूँ, स्ट्रेट नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, इनमें हेयर स्टाइल्स नहीं कर सकती हूँ फिलहाल 2-3 महीने, तो ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ है। इस वजह से मैं हेयर स्टाइल भी और ज़्यादा लुक भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और एक चीज़ और है, शादी का घर है, सामान कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ क्या है, कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे, तो जो दिखता है वही हाथ में आता है और पहन लेते हैं इसलिए। और शाम के मेकअप में भी मैं खुद ही रेडी होंगी, सो प्लीज़। ऊपर से बीमार अलग से हैं, गला ख़राब है, फीवर और भाग दौड़ ऐसे ही चल रहा है, देखते हैं। तो ये अभी तो घर में भी बहुत ज़्यादा बिखेरा हो रहा है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ पे कमर में पहनते कंदूरा और गले में मंगलसूत्र, मतलब कंदूरा वगैरह का आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि कमर में पहनते हैं हम। और हाथ में जो पहनती हूँ ना मैं, उसको बाजूबंद बोलते हैं, वो जो लूम के साथ में होता है वो वाला, और वही इयररिंग्स कान के, और यहाँ पे रखड़ी वगैरह लगाते हैं, ये आप लोग में भी लगाते होंगे। सो अभी देखते हैं, रानू को भी अभी उनकी सगाई दस्तूर का प्रोग्राम है, फिर बाहरे का प्रोग्राम है, तो वो सारे प्रोग्राम्स का। तो यहाँ है रानू की शादी और हम लोगों का गला मतलब ख़राब हो गया है, गला पड़ गया है काफ़ी चिल्ला चिल्ला के, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे होगा मायरा और इधर चल रहा है खाना। तो यहाँ हो रही है तैयारी तिलक दस्तूर की। तिलक दस्तूर में सारे कपड़े जमाए जाते हैं लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े जमाए हुए हैं। ये सब हमने खुद से जमाए हैं, अभी ये हमें खुद ही करना पड़ता है। और अगर आप भी राजस्थान से तो ऑब्वियसली यू नोज़ वेरी वेल कि कितना मतलब ये सब करना रहता है। तो इसी में ही हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया था, वो मेरे ससुर जी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये साड़ी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये है सावनिया सीट और उनका बाघा, और फिर ये चांदी की प्लेट और गिलास वगैरह, थोड़े पैसे, नारियल चांदी का, गोल्ड ब्रेसलेट, रिंग, देन कंवर साहब के जो भी सामान होते हैं,
यूज करने के मेकअप वगैरह जितने भी होते हैं बेसिक, वो सारे सासू जी के सारे मेकअप के सामान, चॉकलेट के डिब्बे, संतरे, फ्रूट्स वगैरह, साड़ी और सासू जी के साड़ी, सारी चॉकलेट्स, चूड़ा, और आप देखते जाइए कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन दिखाती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग में रखी जाती है लड़के वालों के लिए, और इट्स काइंड ऑफ रिवाज, मतलब ये एक तरह का रिवाज है जिसके अंदर तिलक दस्तूर के लिए जो भी जेंट्स होते हैं वहाँ के, लेडीज़ होती हैं, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी घर के लोग होते हैं, उनके लिए ये सारे कपड़े और ये सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजे जाते हैं। और जो भी ये सोने का ब्रेसलेट और रिंग वगैरह है, ये ऑब्वियसली दीपक जी के लिए ही है एज ए गिफ्ट उनको। सो तो ये है रानू के नंदोई जी जो कि लेके आ रहे हैं चीड़ी का बेस, मींस पर्ले का बेस, जो कि वो पहनेंगे शाम को रिसेप्शन में और शादी के टाइम पे। तो ढोल नगाड़े के साथ लेके आते हैं ये सारा, मतलब रहता है। तो रानू अभी तक आए नहीं, तो हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे टाइम पास करें। जिन्होंने हाई किया है वो मेरे ननंद हैं, बुआ सासू जी की लड़की, दीदी बड़े हैं वो, उनके पास वाले मेरे जिठानी जी हैं, और ये सारे मेहमान ये बाराती लोग हैं उधर साइड में, और लेफ्ट साइड में हम लोग बैठे हैं सारे लड़की वाले, इधर लड़के वाले बैठे हैं, और यहाँ पे पहन रहे कपड़े ये दोनों मेरी भाभी। यहाँ चल रहा है डांस। अब ये आ गए हैं सगाई दस्तूर के लिए, अब इनकी सगाई वगाई होगी, तिलक विलक का प्रोग्राम होगा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। मोनिका का है, मोनिका हाय करना आप जिनी, हेलो ये भैया, हेलो चश्मा लगा के हेलो कर लो, कोई बात नहीं। हाँ इधर इधर अंकित भैया, हेलो। हाँ ठीक है, शुभम भैया, मामा जी, हेलो। हाँ जी जी, ये मामी जी, वो भाभी जी, सारा पूरा फंक्शन का उधर चल रहा है, तिलक दस्तूर वगैरह का प्रोग्राम। मम्मी के चक्कर में मेरी मम्मी के पास चला गया, बोलो चौगड़ा तो यहाँ पहनाया जा रहा है मेरे सासू जी को मायरा, जो कि इनके पीहर की तरफ से लेके आया जाता है। लड़की की शादी या लड़के की शादी जिसकी भी होती है, उस टाइम पे पीहर वाले कपड़े लेके आते हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, उसको मायरा कहते हैं, तो वो वाली जो रस्म है वो कर रहे हैं। उसके बाद में मेरे पापा मींस मम्मी जी के पीहर वाले आ गए कपड़े लेके, मायरा लेके, देन अब हमारे घर के आएंगे, वो कपड़े पहनाएंगे, मींस झिलाते हैं कपड़े, लाइक देते हैं एक दूसरे को कपड़े। तो यही सारी तैयारी चल रही है, वो मेरे दीदी और जिया जी हैं। तो ये है मेरे नानी सासू जी, और ये हैं ऑरेंज लुगड़े में मेरे दादी सासू जी, और इनको भी उड़ाया जा रहा है लुगड़ा। तो ऐसे जितने भी होते हैं ना फैमिली मेम्बर्स, उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। तो यहाँ उड़ाई जा रही है मेरे सासू जी को साड़ी, और ससुर जी को पाग पहनाई जा रही है। ये सारा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है। रियल में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इन प्रोग्राम को अटेंड करते करते, सारे फंक्शंस देखते देखते, भाग दौड़ करते करते। तो वही चीज़ हमारे साथ भी है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी थकान भी है शादी की। ये रहे मम्मी, मेरी भाभी और मेरी दीदी, और अब इन्होंने मुझे उड़ाया है साड़ी। और ये साड़ी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत पसंद भी आई है। तो कुछ इस तरह सारे रस्मों रिवाज दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं। होप सो आपको पसंद आए हों। मींस तिलक दस्तूर होता है, उसमें सगाई होती है, कपड़े इधर उधर दिए जाते हैं, मींस लड़के वालों को कपड़े दिए जाते हैं। फिर जो लड़की के मम्मी पापा होते हैं, लड़के के मम्मी पापा होते हैं, उनके लिए मायरा लेके आते हैं उनके पीहर से। देन उनकी बहुएँ होती हैं तो उनके पीहर से भी आता है, वैसे ही रिंकू के पीहर से, मेरे पीहर से, मम्मी जी के पीहर से, सबके पीहर से कपड़े आते हैं। और ये सारा प्रोग्राम चलता है, घर के बड़े बुजुर्ग आगे रहते हैं हर प्रोग्राम के अंदर, और उन्हीं को मान सम्मान दिया जाता है। और इसमें सांवलिया सेठ की जो तस्वीर होती है या फिर जो भी मूर्ति वगैरह होती है, ये सारी दी जाती है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक